तो यहाँ पे सारे दीदी भाभी लोग करवा चौथ की पूजा के लिए, कीर्तन भजन के लिए तैयार हो चुके हैं और सारे इकट्ठे हो रखे हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशा फरसवान उत्तराखंड चमोली के शोल डूंगरी गाँव से हूँ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस शोल घाटी के शोल डूंगरी की सुंदर सी पहाड़ियों में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है करवा चौथ, तो सभी बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका व्रत जो करवा चौथ का है सफल हो और आपके सुहाग की लंबी आयु हो। तो मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ कटिंग से, कपड़े की कटिंग कर रही हूँ और फिर देखते हैं क्या क्या होता है आज के दिन में। दिनचर्या हो रही है सूट की कटिंग से शुरू और नाश्ता हम लोगों का हो चुका है और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। तेज़ धूप आ रखी है, ये देखिए। तो अब मैं कटिंग करती हूँ। तो मैं ये सूट की कटिंग कर रही हूँ, ये गर्म सूट है किसी का और ये जो पीला वाला है ये छोटे बच्चों का, दो सूट इस पे बनाने हैं तो मैं अब इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो तीन सूट काट के मैंने कंप्लीट कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब मैंने कर दिया है सिलाई करना शुरू और सिलना शुरू करा है मैंने पहले सलवार से। सलवार सिल रही हूँ मैं छोटे बच्चे का। तो दो बज चुके हैं और मैं आ रखी हूँ सुनीता दीदी और कमला भाभी लोगों के घर में और ये लोग हो रहे हैं तैयार हो रहे हैं। इनका जो व्रत है आज तो कथा पढ़ना है अभी शायद, तो वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको मिलाती हूँ इनके घर के नए मेंबर, छोटे से प्यारे से मेंबर लूसी से। ये है कमला भाभी के घर का नया मेंबर लूसी, ये देखिए लूसी। तो ये बिल्ली कमला भाभी लोगों की है। दीदी हो रही तैयार, ये देखो पीली साड़ी पहन रखी है अभी, नथ और जो क्या बोलते हैं उसको चुनरी पिछोड़ा वो ओढ़ना बाकी है। और ये है इस तरफ को मंदिर करवा चौथ का जो पूजा होती है जहाँ पे, ये है। यहाँ पे हो रही है कमला भाभी तैयार। इनका मंदिर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, मुझे भी नहीं पता क्या क्या रखते हैं और सब एक एक गिन के बताती हूँ आप लोगों को क्या क्या रखा हुआ है मंदिर में। देखिए दिया जला है, यहाँ पे ये फोटो है और इसमें पिठाई फूल और चावल, अक्षत के जो चावल होते वो है और फल फ्रूट प्रसाद और इसमें पानी भरा हुआ है और ये करवा है, इसमें श्रृंगार का सामान है पूरा और फल फ्रूट प्रसाद ये सब है, ये सब होता है करवा चौथ में। ये दोनों भाभियाँ तैयार हो चुकी है, मंजू भाभी और कमला भाभी, देखो कितनी सुंदर लग रही है। बाहर जाके दिखाऊंगी, थोड़ा यहाँ अंधेरा अंधेरा लग रहा है। दीदी भी हो चुकी है तैयार, आइए लोग जा रहे हैं अब कथा पढ़ने के लिए किरण लोगों के घर में। ये देखो कितने सुंदर सुंदर लग रही है। यहाँ पे ताई जी और लक्षिता है, ये किरण की बेटी है और किरण हो रही है तैयार। किरण अभी तैयार नहीं हुई है, अभी हो ही रही है, ये पिछोड़ा डाल रही है, साड़ी उसने पहन दी है और अब पिछोड़ा डालना बाकी है। ये देखो रीना दीदी भी आ गई, अब दर्शनी दीदी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये लोग अब बैठ चुके हैं कथा पढ़ने के लिए, पूरी तैयारी हो चुकी है और दिया ने कथा पढ़ना शुरू कर दिया। दिया पढ़ के सुना रही है इन लोगों को कथा।
अब कथा पूरी हो चुकी है और कथा पढ़ने के बाद जो ये दूसरी रस्म होती है, ये जल चढ़ाने वाली, वो वाली रस्म कर रहे हैं। अब कथा भी पढ़ दिया और जल भी चढ़ा दिया। अब ये प्रसादी बांट रहे हैं और दिया को जो शगुन होता है, जो मतलब वो पढ़ता है, कथा पढ़ता है, उसके लिए शगुन जो भी होता है रखा होता है वहाँ पे, फल फ्रूट वगैरह, तो वो दे रही है और ये छोटी लक्षिता को भी दे रहे हैं। तो हो चुकी है उन लोगों की पूजा पाठ जो होता है कथा वगैरह, तो मैं आई हूँ पंचायती भवन में ढोलक लेने। तो अब उन लोगों का कीर्तन भजन होगा, तो मैं दिखाती हूँ हमारे पंचायती भवन में क्या क्या है। ये है पंचायती बर्तन और ये टेंट जो लगता है उसके डंडे हैं, इस तरफ को कुर्सियाँ हैं और वो चनोया टेंट जो बोलते हैं बर्तन हैं, और ऊपर भी कुछ बर्तन है और ये अलमारी है। तो अलमारी के अंदर क्या क्या है दिखाती हूँ आप लोगों को। ये ढोलक, प्रेशर, हारमोनियम, ढोलक, ये कुछ कुछ चीज़ें यहाँ भी हैं। कमरे में इतना ही सामान है, बाकी का जो सामान है वो दूसरे कमरे में है, तो वहाँ मैं नहीं खोल रही अभी क्योंकि मुझे ढोलक लेके जाना है। आ चुकी हूँ मैं ढोलक लेके, आप लोगों को दिखाती हूँ अपना पंचायती चौक। तो ये हमारा पंचायती चौक है, ये दोनों ग्राम सभा रुशाण और डोंगरी वालों का है। तो जितने भी पंचायती कार्य होते हैं यहीं पर होते हैं। तो जहाँ पर ये मंदिर दिख रहा है, तब जब माँ भगवती की डोली आती है तो यहीं पे माँ भगवती की डोली भी बैठती है। तो सारे पंचायती जितने भी कार्य होते हैं यहीं पे होते हैं। अब हो गए हैं भजन कीर्तन शुरू। तो इन लोगों की पूजा हो रही है और भजन कीर्तन हो रहे हैं, तो हम सुन रहे हैं। हमारे साथ ताई जी भी बैठे हैं, नूतन, दिया और मैं और बच्चे हैं। ताई जी लोगों के छत में मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपना गांव। ये है, ये पूरा यहाँ से ऊपर को जो दिख रहे हैं ऊपर तक, ये ब्रह्मपुरी है, इस साइड है गाँव। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, इस साइड को हमारा गाँव है, जजमानों का गाँव इस साइड को है, ब्रह्मपुरी इस साइड को है। ये देखो हो चुका है ना इनका जो है कि भजन कीर्तन। यदि भूख लगे बर्ता दी नहीं लगे, और कन्या मतलब कन्या महसूस हूँ तुम्हें कति खुशी भी बर्त लेके।
बहुत खुशी भेल। अच्छा चाँद इंतजार आतलो मतलब चाँद आतलो भुगनी चलो तो करवा चौथ है यू शक्ति भक्ति दर्शन दी बजे ये ढोलक तो भजन कीर्तन के बाद अब ये होम थिएटर लगा के यहाँ पे डांस करना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो अभी पंचनाम देवों के जागर लगे हुए हैं, आप इनके डांस से देख सकते हो कि इनके स्टेप जो है कि जागर के हैं। तो ये फुल एंजॉय कर रहे हैं व्रत को, बहुत खूब मस्ती मौज, बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी इनको देख के और बहुत ज़्यादा खुश है ये देखिए। और इनको देख के लग भी नहीं रहा कि ये पूरे दिन भूखे रहे होंगे। सारे घर धूप भी जा चुकी है उसको। तो सब लोग घर जा चुके हैं, देखो ये छोटी सी लक्षिता देखो भटक उठ रही है ये, और डांस भी कर रही है साथ में केला भी खा रही है। तो बच्चे अपने मस्त हैं, अपने ही आप में मगन हैं ये देखिए। और ये नूतन राणा है, ये भी इसने भी नई नई ब्लॉगिंग शुरू कर रखी है ये देखिए। अब नूतन भी जा रही घर को और मैं भी जाऊँगी अपने घर। चुकी हूँ मैं वहाँ से इधर किरण बारी के घर से। तो करवा चौथ मना रहे थे वो लोग, तो आज गाना डांस वांस खूब धूम मचाई है उन लोगों ने आज, और बहुत मज़ा मुझे भी आया उन लोगों के साथ। अभी 6:30 हो चुकी है तो अब खाना वाना बनाने की तैयारी करेंगे। और उन लोगों का जो पूजा पाठ करवा चौथ वालों का है, तो चाँद निकलने के बाद जो भी होता है तो वो लोग अपने अपने घरों में करेंगे उसको। तो मैंने आज मतलब सुबह से 2 छोटे छोटे सूट बच्चों के जो थे वो सिले, और उसके बाद 2 बजे से मैं वहीं थी उन लोगों के साथ भजन कीर्तन उनके पूजा में। हम लोग भी देखने गए हुए थे तो मैं आप लोगों को सूट दिखाती हूँ। तो ये रहा एक सूट और ये छोटा सा सलवार है उसके साथ का, और एक ये तो ये छोटे बच्चों का सूट था, 11 साल के बच्चे का और 1-6 साल के लड़कियों का, मतलब छोटे बच्चों का था ये सूट। तो ये मैंने सिल दिए हैं। अब मैं करती हूँ आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त। मिलते हैं कल नए सुबह नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ब्लॉग्स को देखते रहिए। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।